our unit, that is what? Polymer. So polymers kya hai? The polymers is a large molecule. Or it is a which molecule? Macro molecule. Polymer is a large molecule. Kaisa molecule hai? Large. अभी हमने देखा क्योंकि मोनोमर कौन था उसका पॉलीथीन सॉरी इथीन और बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए तो क्या बना पॉलीथीन तो पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल और अ मैक्रो मॉलिक्यूल ठीक है दो होते हैं एक माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो माइक्रो मतलब बहुत छोटा और मैक्रो मतलब बहुत बड़ा नहीं छोटा बड़ा मतलब ये हो गया बड़ा वो भी छोटा और मैक्रो मतलब बहुत 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 छोटा ठीक है तो मैक्रो मतलब उसके कंपैरिजन भी मतलब जब छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म द मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर यू अंडरस्टैंडिंग तो दिस इज व्हाट मैक्रो मॉलिक्यूल व्हिच इज एसेंशियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सब यूनिट्स एंड द टर्म पॉलीमर इज अ ग्रीक मींस दैट इज मेनी पार्ट्स ठीक है पॉलीमर्स कैन फाउंड इन ऑल ऑफ अस हमारे अंदर सारे पॉलीमर्स है हमने बायोमॉलिक्यूल यूनिट पढ़ा हुआ है इन बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ जल्दी अल्फा अमीनो एसिड न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वेरी गुड ठीक है न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ठीक है वी नो वेरी वेल अबाउट द स्टार्च स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज व्हिच ग्लूकोज अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज ठीक है सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ सेलोबायोज नो सेलोबायोज इज अगेन अ डाइमर आई वॉन्ट टू नो सेलोबायोज कैसे बना था सेलोबायोज कैसे बना था बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज तो सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज तो इन अवर बॉडी ऑलरेडी द नंबर ऑफ पॉलीमर्स आर देयर ठीक है सो ग्रीक मीन्स पॉलीमर्स फ्रॉम द व्हाट पॉलीमर्स कैन फाउंड इन ऑल अराउंड अस From the strand of our DNA. DNA क्या है Polymer. DNA is the polymer of nucleotide. DNA is nothing but polynucleotide. DNA which is a naturally occurring biopolymer. ऐसे जो polymers होते हैं जो living organism के body के अंदर मिलते हैं ठीक है So these polymers are called which polymer? Biopolymers. To the polypropylene. अभी ये पढ़ने का है Polyethylene पढ़ा ना एक कार्बन उसको वहां का एक हाइड्रोजन निकाल के मिथिल लगा दो तो क्या बन जाएगा पॉलीप्रोपिलीन तो पॉलीप्रोपिलीन विच इज यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड एज अ प्लास्टिक या पॉलीथीन इज अ प्लास्टिक पॉलीप्रोपिलीन इज आल्सो प्लास्टिक तो दीज आर द डिफरेंट पॉलीमर्स तो व्हाट इज पॉलीमर्स डू यू अंडरस्टैंड सो पॉलीमर्स मे बी नेचुरली फाउंड इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स तो पॉलीमर्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप टू टाइप वन जो प्लांट्स में और एनिमल्स में मिलते हैं जो प्लांट्स से और एनिमल्स से बनते हैं दीज आर कॉल्ड विच पॉलीमर्स नेचुरल पॉलीमर्स और इट मे बी अ मैनमेड जो मैनमेड रहेंगे दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स डिफरेंट पॉलीमर्स हैव द नंबर ऑफ यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग प्रॉपर्टी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी इट मे बी फिजिकल और केमिकल ठीक है ड्यू टू विच दे आर फाउंड यूजेस इन अवर डे टू डे लाइफ जैसे प्लास्टिक है तो उसका एक यूनिक है कि वो पानी से गीला नहीं होता इस प्रॉपर्टी की वजह से उसने पेपर को क्या कर दिया रिप्लेस द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर लेकिन पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए हमें कुछ पॉलीमर्स पहले पढ़ने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे अभी हमने एक पॉलीमर पढ़ा क्या नाम था उसका पॉलीथीन ठीक है पॉलीमर्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर वन कैटेगरी दे आर क्लासिफाइड अंडर द डिफरेंट कैटेगरीज ठीक है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनके बिहेवियर्स के बेसिस पे उनके ओरिजिन के बेसिस पे उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बेसिस पे तो दे आर व्हाट दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस डिफरेंट बेसिस अलग अलग टाइप के ऊपर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है तो सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ठीक है तो पॉलीमर्स आर सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी दे आर हाउ मेनी टाइप्स थ्री टाइप्स फर्स्ट नेचुरल दूसरा सिंथेटिक और तीसरा सेमी सिंथेटिक ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी पॉलीमर्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप थ्री टाइप व्हिच थ्री टाइप नेचुरल पॉलीमर सिंथेटिक पॉलीमर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर ठीक है नेचुरल किसको कहेंगे व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स सिंथेटिक व्हिच आर मैन मेड व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज और जो केमिकल से मैन मेड केमिकल से उससे बना है उसको कहेंगे सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक किसको कहेंगे द सम प्रोसेस आर डन ऑन द व्हिच पॉलीमर्स नेचुरल पॉलीमर जैसे फॉर एग्जांपल रबर रबर बताया आपको
तो रबर दो टाइप का होता है, एक होता है रबर जो हमें नेचर से मिलता है, एक ट्री होता है, उस ट्री का नाम है गुटा परचा ट्री, और उस गुटा परचा ट्री से एक सब्सटेंस मिलता है, दैट इज कॉल्ड लेटेक्स, एक मिल्की सब्सटेंस मिलता है लेटेक्स, और उस मिल्की सब्सटेंस से डायरेक्ट हम अगर बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल रबर, लेकिन उसके ऊपर सल्फर वल्फर डाल के उसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस करते हैं तो उसको कहते हैं सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर कहां से मिला है, लैटेक्स से, फिर लैटेक्स से नेचुरल था लेकिन उसके ऊपर सल्फर डाला, ये कौन था केमिकल, तो वो हो गया कौन सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो इन दिस वे वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ पॉलीमर, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। तो वी डिस्कस इन डिटेल फर्स्ट अबाउट द नेचुरल पॉलीमर, वी हैव सीन नेचुरल पॉलीमर्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप, टू टाइप, वन इज अ प्लांट एंड अनदर इज वेजिटेबल, सॉरी प्लांट इज आल्सो कॉल्ड vegetable and second one is a animal. They occurs naturally and found in plants and animals. For example, अभी proteins कहाँ से मिलता है? Plant से भी मिलता है, animal से भी मिलता है. उसके बाद starch कहाँ से मिलता है? Plant से. ठीक है, cellulose कहाँ से मिलता है? Plant से. ठीक है, rubbers, rubber अभी मैंने बताया. उसको rubbers also obtained from plants. क्या नाम है tree का? Gutta percha tree. क्या नाम है उस substance का? गुटा पर्चा नहीं है, लैटेक्स। ठीक है, ये नक्शे दे क्या नाम है, अच्छा लैटेक्स, डू यू अंडरस्टैंड, तो लैटेक्स से मिलता है। तो उसके बाद टू एड अप वी आल्सो हैव द बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये भी एक टाइप है, क्लासिफिकेशन है कि जो भी पॉलीमर है उसका जमीन के अंदर डालने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको तोड़ के उसका डिकम्पोजिशन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, नहीं कर पाते नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो हम इन टाइप्स ऑफ पॉलीमर टू टाइप, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स हैं। जनरली नेचुरल पॉलीमर्स आर बायोडिग्रेडेबल, ऑल द नेचुरल पॉलीमर्स आर बायोडिग्रेडेबल। तो नेचुरल पॉलीमर्स हो गया, उसके बाद सेमी सिंथेटिक पहले पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज सेमी सिंथेटिक? अच्छा, नेचुरल पॉलीमर्स में मैंने एग्जांपल बताने रह गए, नेचुरल पॉलीमर्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप, टू टाइप, पहला प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स। प्लांट्स के एग्जांपल स्टार्च, उसके बाद सेलुलोज, जूट, यू नो जूट, ठीक है जूट। तो आप लिख लो शॉर्ट में थोड़ा, तो नेचुरल पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दे आर ऑफ हाउ मेनी टाइप, थ्री टाइप्स। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दे आर ओरिजिन और द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, दे आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, थ्री टाइप्स। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड सिंथेटिक, सेकंड सेमी सिंथेटिक। देन नेचुरल आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स के एग्जाम्पल सेलुलोज, स्टार्च, हाँ उसके बाद जूट, सिल्क, नहीं जूट, जूट पता है ना आपको, हाँ तो जूट, these are the examples of plant polymers. Next, animal, animal polymers, silk, ठीक है, silk कहाँ से मिलता है, animal, silk, ठीक है, silk worm से मिलता है, ठीक है, तो what animal polymers, उसके बाद the oils, oils नहीं है polymers, तो उसके बाद हम कहेंगे कुछ proteins, हमें कहाँ से मिलते हैं, milk से, अरे मिलता है ना, तो फिर वो कौन हो गया, animal polymer, proteins, ठीक है, etc. So this is about the diet. Now semi-synthetic polymer. They are derived from naturally occurring polymers and undergo further chemical modification. Figure the polymers first which are obtained naturally and then undergo some chemical modifications. They are called which polymer? Semi-synthetic polymer. Now cellulose nitrate. Cellulose ka structure aapko batae. We know cellulose is a polymer of glucose. Beta D plus glucose, and you know very well glucose. In glucose, how many hydroxyl groups are there? 5. As there are the 5 hydroxyl group in glucose, so this 5 hydroxyl group in glucose, that is what C double bond OH. Phir yahan pe CH, idhar kya lagega? OH. How many hydroxyl group? 4. And this is what CH2OH. And you know very well about the nitric acid. एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट एच पॉजिटिव, तो एसिड का एच और इसका OH, देयर इज रिमूवल ऑफ H2, ठीक है, इट वांट्स ग्लूकोज और सेलुलोज वांट्स व्हिच पॉलीमर,
नेक्स्ट एंड वी ट्रीट इट विद सम केमिकल सब्सटेंस दैट इज विच एसिड नाइट्रिक एसिड आफ्टर ट्रीटिंग इट विद नाइट्रिक एसिड देयर इज रिमूवल ऑफ H2 देयर इज आल्सो रिमूवल ऑफ H2 एंड दिस NO3 ग्रुप इज कॉल्ड व्हिच ग्रुप नाइट्रेट ग्रुप सो वी गेट दिस सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस दैट इज व्हाट C डबल बॉन्ड OH हियर CHO नहीं वो तो गया तो ये वाला वो और ये कौन हो गया NO3 कितने लगेंगे ऐसे चार और यहाँ पे एक NO3 लगा दूं डायरेक्ट सो इट इज द ग्लूकोज व्हाट वी कैन से सेलुलोज ये तो ग्लूकोज नाइट्रेट बना सेलुलोज में क्या रहते हैं बहुत सारे रहते हैं बहुत सारे वो रहेंगे तो दैट विल बी अ विच नाइट्रेट सेलुलोज नाइट्रेट ठीक है कौन सा नाइट्रेट सेलुलोज नाइट्रेट तो सेलुलोज नाइट्रेट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा पॉलीमर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्लियर है तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर उसके बाद सेलुलोज एसीटेट हाउ विल बी द सेलुलोज एसीटेट यू नो वेरी वेल इसके अंदर वो एच है अब कैसे क्या है हमने देखा है और एसिटिक अनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो देयर इज रिमूवल ऑफ HCl एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ HCl देयर इज फॉर्मेशन ऑफ O C डबल बॉन्ड O CH3 तो दिस इज व्हाट एसीटेट और इधर जो था वो सेलुलोज यू गेट द सेलुलोज एसीटेट सो वी हैव सीन वन पहले नेचुरल नेचुरल में दो पहला प्लांट दूसरा एनिमल फिर सेमी सिंथेटिक में सेलुलोज नाइट्रेट सेलुलोज एसीटेट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड व्हाई दे आर सेमी सिंथेटिक डू यू अंडरस्टैंड एंड थर्ड वन इज द सिंथेटिक वी हैव द नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर जिसमें एक एग्जांपल हमने देखा है दैट इज पॉलीथीन पॉलीप्रोपीलीन ठीक है हाउ विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीप्रोपीलीन पॉलीप्रोपीलीन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा सिर्फ यहाँ पे हमने कितने हाइड्रोजन लिए थे चार एक हाइड्रोजन निकाल के कौन सा ग्रुप लगा दो CH3 बराबर और नंबर ऑफ CH3 जोड़ दो इसका क्या तोड़ डालो पाई इसका पाई तोड़ने के बाद फिर क्या होगा जब यहाँ पे नंबर ऑफ कौन लग जाएंगे प्रोपीलीन तो जो बनेगा उसका नाम रहेगा पॉलीप्रोपीलीन क्या नाम रहेगा बेटा पॉलीप्रोपीलीन डू यू अंडरस्टैंड तो इन दिस वे यू विल गेट द प्रोडक्ट एंड इट्स नेम विल बी अ पॉलीप्रोपीलीन तो दे आर डिराइव्ड नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स एंड अंडरगो फर्दर केमिकल मॉडिफिकेशन एंड इट फॉर्म्स दिस पॉलीप्रोपीलीन दीज आर मैनमेड पॉलीमर प्लास्टिक इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल दैट इज इथिलीन एंड पॉलीप्रोपीलीन मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल एंड वाइडली यूज्ड सिंथेटिक पॉलीमर इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स ठीक है इसका एग्जाम्पल है नायलॉन 66 एंड पॉलिस्टर अब ये नायलॉन जो है इट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर तो नायलॉन जो हमें मिलता है कैसे मिलता है अभी हम देखेंगे तो क्लासिफिकेशन अब इसका होगा तो नायलॉन का मैं आपको बता देता हूँ सो दैट आपको सारे क्लासिफिकेशन उसमें पता चल जाए कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इट्स नेम इज अ कैप्रोइक एसिड कौन सा एसिड कैप्रोइक एसिड इन कैप्रोइक एसिड देयर आर इन कैप्रोइक एसिड में कितने कार्बन है रे बेटा आता से सांगितलं सिक्स बराबर सिक्स कार्बन है अब कितने हो गए एक और चार पांच और ये छह और इसका नाम कार्बोनिल एक चार अल्फा बीटा गामा डेल्टा और ये कौन हो गया एप्सिलॉन ठीक है वंस मोर चार है ना अंदर क्या नाम है उन चार का अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये है क्या अल्फा नहीं इसके बाजू का पहला वाला अल्फा दूसरा बीटा तीसरा गामा चौथा डेल्टा और उसके बाजू का एप्सिलॉन और एप्सिलॉन पे लगा अमीनो तो दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड क्या कहते हैं इसको एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड इज इट सो व्हाट इज इट्स नेम एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड एंड व्हेन दे आर हीटेड प्रोइक एसिड एंड विद द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड विल कंबाइन विद ईच अदर तो हाउ विल बी चलो पास नेक्स्ट क्या लिखू NH2 फिर CH2 बाद हाइव लिखू डायरेक्ट चलेगा CH2 बाद हाइव और इधर C डबल बॉन्ड OH
क्या निकलेगा? ये नाइट्रोजन की लोन पेयर कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेंगी, देयर इज रिमूवल ऑफ OH नेगेटिव, देयर इज रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव एंड देयर इज रिमूवल ऑफ H2। इधर से आएगा, इधर से निकलेगा OH नेगेटिव, इधर से आएगा, इधर से निकलेगा H। ओके, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे ना, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? जल्दी NH, इधर का ये जाएगा उधर पे अटैक करने, फिर यहां पे CH2 कितने? 5 C डबल बॉन्ड O, CH2 5 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद NH, हाँ CH2 by C double bond O, and so on. How many carbons? 6. How many carbon? 6. And the NH is repeating after how many carbon? 6. So it is called nylon. It is called nylon 6. And the two molecules joined with the elimination of simple byproduct molecule. When the two molecules join with the elimination of simple byproduct molecule, that reaction is called condensation reaction. What is the reaction? Condensation reaction. Two molecules joined with the elimination of simple byproduct molecule, then that reactions are called which reaction? Condensation reaction. So is it a condensation reaction? Yes or no? Two molecules are joined with the elimination of water, simple byproduct, water. So it is a condensation reaction. And the polymer which are formed by the condensation reactions are called which polymer? Condensation polymer. And if you see, it has also which chain? Which chain? Linear chain. So it is also which polymer? Linear polymer. Kaunsa polymer? Linear polymer. Do you understand? So in this way, first we have, this is the condensation polymer. What is condensation polymer? Do you understand? When the two monomers joined with the elimination of simple byproduct molecule, though it is condensation reaction, but फिर अलग बहुत सारे monomers joined होते जाएंगे, तो it will be a which polymer? Condensation polymer, and the process is called condensation polymerization. So these are man-made polymer. So nylon 66 दूसरा है. Nylon, this word is related to the repeating pattern, ऐसा कुछ है, ठीक है? तो यहाँ पे 6-6 carbon के बाद repeat होता है, तो इसका नाम है नायलॉन 6, 6 कार्बन के बाद NH, 6 कार्बन के बाद NH, 6 कार्बन के बाद NH, सो इट इज कॉल्ड नायलॉन 6।